तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी से कुछ सिक्योरिटी की टिप्स बताने वाला हूं, या फिर बोल सकते हैं कुछ ऐसी सेटिंग्स या कुछ आपको चीज बताने वाला हूं जो कि आपको अपने मोबाइल में करते रहना चाहिए, लाइक 7 डेज में या 15 डेज में या 30 डेज, मतलब एक बार आपको महीने में एक बार तो उसको करता रहना चाहिए। क्या ये सेटिंग है या फिर क्या ये टिप्स है आपको जो करना चाहिए अपने मोबाइल में सिक्योरिटी के लिए, तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों सबसे पहले जो टिप है, सबसे पहले जो सेटिंग है उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलता है बैटरी एंड डिवाइस केयर का, आपको बताया ये आपको मिल जाएगा, आपको उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, ये आपको नीचे डिवाइस प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिल रहा होगा, जहां मेरे को दिख रहा है नो थ्रेट फाउंड, आपको पहले तो उसको इनेबल कर लेना है। बहुत सारे लोग इसको इनेबल नहीं करते, बट इसको इनेबल करके रखना चाहिए। इससे होता क्या है दोस्तों, ये आपके मोबाइल को स्कैन करता रहता है ताकि कोई भी आपके पास कोई ऐसी चीज ना हो जिससे आपके मोबाइल को दिक्कत हो सकती है। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है MCKVN सैमसंग कीप यू फोन सेफ वाई सर्चिंग फ्रॉम मेलवेयर एंड सस्पिशियस एक्टिविटी, मतलब ये आप देख रहे हैं आपके बहुत फायदे की चीज है, तो आपको इसको ऑन करके रखना चाहिए। तो सबसे पहला टिप यही है। उसके बाद जो सेकंड टिप है वो इसी से रिलेटेड है, अगर आप इसको ऑन नहीं करेंगे तो सेकंड आपको नहीं मिलने वाला। सेकंड क्या है, आपको यहां से बैक आना है, बैक आने के यहां जाना है आपको 3 डॉट्स पे, आपको यहां जाना है अबाउट डिवाइस केयर पे। जैसे ही आप अबाउट डिवाइस केयर पे जाएंगे तो आपको एक नीचे ऑप्शन मिल रहा होगा अपडेट इंजन सेटिंग का, अपडेट सिक्योरिटी इंजन, अगर आपने उसको इनेबल नहीं करा होगा डिवाइस प्रोटेक्शन को तो आपको ये नहीं मिलने वाला। तो पहले तो आपको उसको इनेबल करना है, उसके बाद आपको यहां पर उसको चेक करते रहना है वीकली या मंथली या जो भी, आप उसको एक बार चेक कर लेना है मंथ में कि इसमें कोई सिक्योरिटी का अपडेट तो नहीं आया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अपडेट सिक्योरिटी पे तो वो डिटेक्ट करेगा यार कोई नया अपडेट तो नहीं आया सिक्योरिटी का, ये आता रहता है। उससे क्या रहता है, मालवेयर और सस्पिशियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। और अच्छे से देखिए आप, मेरा मैसेज आ चुका है सिक्योरिटी इंजन अपडेटेड, मतलब कि ये अपडेट हो गया। ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता, आपको यहां पर चेक करना रहेगा तो ही जाके वो अपडेट होता है, तो ये बहुत जरूरी है, तो आपको इसको भी करते रहना है। उसके बाद जो थर्ड बताने वाला हूं दोस्तों वो भी है, इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ बैक आ जाएंगे दोबारा सेटिंग पे। सेटिंग पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड बताने वाला हूँ वो है सॉफ्टवेयर अपडेट को लेके। दोस्तों होता क्या है, कुछ लोग मैंने देखा है, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं उनके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अवेलेबल पड़ा रहता है, ऊपर नोटिफिकेशन में दिखता भी, इवन डाउनलोड तक हो जाता है बट वो इंस्टॉल ही नहीं करते यार, इतने ज्यादा लापरवाह रहते हैं कि वो इंस्टॉल ही नहीं करते। बट वैसा नहीं करना चाहिए, आपके पास कोई भी नया सिक्योरिटी अपडेट्स या कोई भी नया अपडेट आया है तो आपको अपने मोबाइल को अपडेट रखना चाहिए, उससे आपके मालवेयर्स या जो भी यार जो वायरस होते हैं या फिर जो भी बोल सकते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो आपके मोबाइल को प्रॉब्लम हो सकती है वो अपडेट में रिजॉल्व की जाती है। तो आपको हमेशा अपडेट करके रखना चाहिए, उससे आपको दो फायदे होते हैं, कुछ नए फीचर्स भी मिलेंगे और साथ में सिक्योरिटी भी आपकी इंप्रूव होती है। तो तीसरी टिप तो यही है भैया, आपको अपने मोबाइल को सॉफ्टवेयर अपडेट करके रखना चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत जरूरी चीज है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फोर्थ जो बताने वाला हूँ उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ वापस बैक आना है यहीं पर ही, और यहाँ जाना है आपको ऊपर बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर मोर बायोमेट्रिक सेटिंग पे। यहाँ पर जाने के दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है बायोमेट्रिक सिक्योरिटी पैच, ये अभी आपको अपडेट करना रहता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसको भी आपको अपडेट करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो डिवाइस की जो बायोमेट्रिक सर्विस है वो अच्छी भी होती है और थोड़ा आपकी सिक्योरिटी भी इस पर बनी रहती है ताकि वो एक्यूरेसी से काम करे, कोई भी लगा के उसको खोल ना रहे, ये दोनों पे काम करेगा। अगर आपका फेस भी लगा हुआ है तो फेस के लिए भी ये वर्क करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है फिंगरप्रिंट एंड फेस रिकॉग्निशन, ये दोनों के लिए वर्क करता है, तो ये भी बहुत जरूरी है, तो आपको भी इसको भी अपडेट करके रखना है। उसके बाद दोस्तों जो फिफ्थ बताने वाला हूँ, नेक्स्ट बताने वाला हूँ, उसके लिए आपको वापस यहीं बैक आना है, वो आपको यहीं मिल जाएगा, वो है गूगल प्ले सिस्टम अपडेट, मतलब आपको गूगल प्ले को भी अपडेट करके रखना है। जब तक गूगल प्ले खुद अपडेट नहीं होगा तो आपको अपडेट ऐप कैसे बताएगा, तो आपको गूगल प्ले को भी अपडेट करके रखना है, प्ले स्टोर को, मतलब कि आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर उसको चेक कर लेना है, वो आपको बता देगा योर डिवाइस इज अप टू डेट, अगर आपके पास कुछ नया पड़ा होगा तो वो आपको अपडेट करना भी बता देगा, तो ये भी आपको करना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है वो इसी से रिलेटेड है, गूगल प्ले से, तो ऊपर की तरफ आएंगे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है गूगल प्ले प्रोटेक्ट, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों ये गूगल पे प्रोटेक्ट वाला आपको क्या करना है, यहाँ पर आके उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ये क्या काम करने वाला है, जितने भी आपके मोबाइल में जो भी आपने ऐप इंस्टॉल करे हुए हैं वो सबको चेक कर लेगा और उसमें देखेगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम लगेगी तो आपको वहां पर हिंट कर देगा कि भैया इस ऐप में प्रॉब्लम है तो आप इसको हटा दीजिए। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्ले प्रोटेक्ट रेगुलरली चेक योर एप्स एंड डिवाइस फ्रॉम हार्मफुल बिहेवियर, यू विल बी नोटिफाइड फॉर एनी सिक्योरिटी रिस्क फाउंड, ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में चेक होता रहता है, आप चाहें तो उसको फिर भी खुद भी चेक
चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्कैन टू, ये 2 घंटे पहले काम करा, आप स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये पूरा काम करेगा और आपको ये बता देगा कि भैया ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ये मेरे को बहुत सी सही लगती है जो मैंने आपको बताया, ये मैं खुद करता हूँ, वही आपको सिक्योरिटी टिप देने वाला हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ कि भैया कहीं भी सुन के जो बता रहा हूँ, यही मेरे हिसाब से जो मैंने आप बताई ये आपको अपने मोबाइल में करके रखना चाहिए या फिर और सकते हैं करते रहना चाहिए, जिससे आपकी मोबाइल की सिक्योरिटी बनी रहेगी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है इस वीडियो कुछ कमी तो मेरे डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।